तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। आपको पता होगा रावण कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता था? वीणा। रावण को कौन सा इंस्ट्रूमेंट पसंद था? वीणा। औरंगजेब कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाने में पारंगत था? वीणा, है ना। सिकंदर लोदी को क्या बजाना पसंद था? शहनाई, है ना। शाहजहाँ को क्या सुनना पसंद था? शहनाई, ओके। अकबर को कौन सा इंस्ट्रूमेंट पसंद था? नगाड़ा, है ना। शाहजहाँ को कौन सा राग पसंद था? राग ध्रुपद, है ना। अच्छा, ओके। अब मुझे ये बताओ कि तबला इसका आविष्कार किसने किया, सितार का आविष्कार किसने किया, गज़ल और कव्वाली की शुरुआत किसने की? अमीर खुसरो ने, है ना। तो आज हम सल्तनत काल में न केवल अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि उस समय के जो भी इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, चाहे वो कवि हो या गद्य लेखक हो या और किसी भी तरह से उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ में कोई भी उनका रोल रहा हो, उसके बारे में बात करेंगे। हम न केवल अलबरूनी के बारे में बात करेंगे, बल्कि जियाउद्दीन बरनी के बारे में भी जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि किस पोइट्री में अमीर खुसरो ने भारत की प्रशंसा की है, तो कौन सी उनकी पोइट्री ऐसी है जो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खां और देवल देवी की प्रेम कथा पर आधारित है, ठीक है। तो अमीर खुसरो से न केवल उस दौर के इतिहास की जानकारी मिलती है, बल्कि अमीर खुसरो जो काम कर गए उससे आज ना जाने कितने लोगों का घर चल रहा है। क्यों? क्योंकि गज़ल, कव्वाली और तबला, तबला के साथ साथ सितार, इनका जो आविष्कार किया है, इनकी जो शुरुआत की है, अमीर खुसरो ने की है, ठीक है। तो खैर, शुरू करते हैं। तो क्यों ना पहले अमीर खुसरो से ही बात शुरू की जाए। अमीर खुसरो का जो मूल नाम है वो है अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, ये याद आए, याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। अबुल हसन यामिनुद्दीन या यमीनुद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम है, शॉर्ट में इनको हम कहते हैं अमीर खुसरो। अपने समय के ये सबसे बेहतरीन फारसी कवि थे, फारसी भाषा में इनका जो ज़्यादातर जो लेखन है वो फारसी भाषा में है। अपने समय के सबसे बेहतरीन फारसी कवि थे। सन 1552 में इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव पटियाली में। अगर आप पुरानी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है एटा, डिस्ट्रिक्ट एटा, लेकिन अब कासगंज एटा से अलग हो गया है, तो ये जो पटियाली गाँव है अब आ गया है डिस्ट्रिक्ट कासगंज में, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो डिस्ट्रिक्ट कासगंज के पटियाली गांव में इनका 1552 में जन्म हुआ था अमीर खुसरो का, हज़रत अमीर खुसरो। तो अब ये सूफ़ी भी थे और इनके गुरु कौन थे? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। हज़रत निज़ामुद्दीन इनके जो थे गुरु थे, निज़ामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। अच्छा, आपने वो कहावत सुनी होगी, हनूज दिल्ली दूरस्तों, या अभी दिल्ली दूर है। वो कहानी मैंने पिछले सेशन में आपको बताई भी है, एक मिनट रोक दीजिएगा। तो पावर फेल होने से पहले शायद मैं आपको बता रहा था अभी दिल्ली दूर है, इसकी बात हम लोग कर रहे थे। तो गयासुद्दीन तुगलक जो था वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से नाराज़ था। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल मिशन से लौट रहा था और उसने कहीं ना कहीं वहाँ से एक मैसेज सा कन्वे कर दिया था कि जब मैं दिल्ली वापस आऊँगा तो फिर मैं अलाउद्दीन, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, उनको देखूँगा। देखने का मतलब पनिशमेंट देना। तो ऐसे में अमीर खुसरो ने, हज़रत अमीर खुसरो ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सामने फ़िक्र या चिंता जाहिर की, तो शायद उनके मुंह से निकला था पश्तो भाषा में हनूज दिल्ली दूरस्तों, जिसको हम कहते हैं अभी दिल्ली दूर है। अब इसी एक लाइन से बहुत सारे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की जो डेथ हुई थी कहीं वो एक साजिश तो नहीं थी, और उस साजिश में कहीं इनका आशीर्वाद तो प्राप्त नहीं था, कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं, लेकिन ये सब महज एक कोरी कल्पना हमें लगती है। खैर, तो अभी दिल्ली दूर है, हज़रत अमीर खुसरो से कहा था, किसने कहा था? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसके बारे में कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था, ठीक है। अच्छा, अब लौट कर आते हैं। अब अमीर खुसरो को सबसे पहले जो संरक्षण मिला वो मिला, किसका मिला? बलबन के बेटे शहज़ादा मोहम्मद का। अमीर खुसरो सबसे पहले जिसके शरण में आए वो था शहज़ादा मोहम्मद, जो कि बलबन का बेटा है। अब शरण में आने का मतलब क्या है? देखो, आज तो सरकार, उस दौर में भी खैर सरकारी नौकरियां होती थी, है ना, लेकिन आजकल क्या है, सरकार स्कॉलरशिप देती है। आपने देखा होगा ना, संगीत नाटक अकेदमी की फेलोशिप, है ना, संगीत नाटक अकेदमी की 73 सदस्यता। तो आजकल भी सरकार जो है तरह तरह से बढ़ावा देती है कलाकारों को, ठीक है, कि ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे और वो अपनी कला पर ध्यान लगाएं। अच्छा, इस समय कला का मूल्य भी खूब है। अगर आप एक ब्रांड बन जाएं, हिट हो जाए, तो आपको पता ही है, खास करके सोशल मीडिया के ज़माने में, है ना, ज़रा सा आपका 30 सेकंड का कोई रील वायरल हो जाए तो आप रातों रात करोड़पति हो जाते हैं इस दौर में। लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। उस दौर में कलाकार होने का मतलब था फाका कशी। फाका कशी समझते हैं ना,
है ना, कलाकार होने का मतलब था फाकाकशी। तो अच्छे कलाकारों को अक्सर राजा जो थे शरण दिया करते थे। शरण देने का मतलब यह है कि आप आओ हमारे दरबार या दरबार के आसपास रहो, आपको रोजी रोटी की कोई फिक्र नहीं है, बस आप अपनी कला को और बढ़ावा देते रहो, है ना। जैसे आप देखें ना गढ़वाल में कौन थे वो गढ़वाल पेंटिंग्स के सबसे बेहतरीन कलाकार, हाँ मौला राम, है ना। तो मौला राम को बहुत सारे टिहरी नरेशों ने संरक्षण दिया था। तो खैर, तो सबसे पहले शहजादा मोहम्मद ने इन्हें संरक्षण दिया और उसके बाद इन्हें जो छह राजाओं का संरक्षण मिला, वो छह राजा कौन कौन से थे, बलबन, उसके बाद कैकोबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी के बाद गयासुद्दीन तुगलक। तो कितने सुल्तानों का इनको संरक्षण मिला आप गणें दो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। आइए आइए आइए, तो इन्हें सबसे पहले संरक्षण दिया शहजादा मोहम्मद ने और इन्हें कुल मिलाकर के 6 सुल्तानों के दरबारों में या उनके संरक्षण का मौका मिला। कहते हैं कि इन्होंने छह सुल्तानों ने संरक्षण दिया और इन्होंने कुल 7 सुल्तानों का समय देखा। कुल 7 सुल्तानों के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। मैंने सारा यह लिख रखा है कि बलबन से गयासुद्दीन तक 6 सुल्तानों का इनको संरक्षण मिला और 7 सुल्तानों का इन्होंने काल या समय देखा था, ठीक है। आगे चलें, सबसे पहले शहजादा मोहम्मद ने इन्हें संरक्षण दिया था। अच्छा, अमीर खुसरो पहले ऐसे कवि या पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का प्रयोग किया, न केवल हिंदी बल्कि उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया अपने लेखन में, अपने काव्य में इन्होंने हिंदी और उर्दू शब्दों का सबसे पहली बार इन्होंने आविष्कार किया। इनके बारे में एक लाइन पढ़ी थी किसी अखबार में कि करके इजादे सिफर दुनिया को जिरक कर दिया, इल्म के दरिया में गोया एक मोती भर दिया। करके इजादे सिफर दुनिया को जिरक कर दिया, इल्म के दरिया में गोया एक मोती भर दिया। इस जो ये जो लाइन है ना, इसमें उर्दू भी है, इसमें हिंदी भी है और इसमें फारसी भी है, समझ रहे ना। इसमें फारसी भाषा भी है, इसमें उर्दू भी है, हिंदी भी है, कई सारी भाषाएं हैं। तो अब इन्हीं भाषाओं से धीरे 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 जो थी वो हिंदी डेवलप हो रही थी। हिंदी भाषा को उस दौर में कहा जा रहा था हिंदवी, क्या कहा जा रहा था, हिंदवी, है ना। अब हमारा उत्तर भारत में, उत्तर भारत की क्या पहचान थी, हिंद या हिंदुस्तान की, है ना। बाद में धीरे धीरे इसको दिल्ली कहने लगे थे। तो यहाँ की जो एक नई भाषा डेवलप हो रही थी उसको क्या कहा गया था, हिंदवी। तो आप हिंदवी भाषा के, हिंदी भाषा के, उर्दू भाषा के इन्हें आप पहले कवि कह सकते हो। इन्होंने ब्रज भाषा में बहुत सारी कविताएँ अपने लिखी हैं, अपना जो लेखन इन्होंने ब्रज भाषा में बहुत खूब किया है, अपने दौर के फारसी भाषा के सबसे बेहतरीन कवि थे। तो इन्होंने जो लाइन की है कि करके इजादे सिफर, सिफर माने शून्य, जीरो, इजाद माने आविष्कार, दुनिया को जिरक कर दिया माने दुनिया को धन्य धन्य कर दिया, दुनिया पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया, इल्म के दरिया में मतलब ज्ञान का जो सागर है उसमें एक मोती भर दिया। तो इनकी एक लाइन से ये पुख्ता हो जाता है क्या कि शून्य का आविष्कार भारत में होगा, समझ रहे ना। चलें आगे, तो अब इन्होंने अपना लेखन ब्रजभाषा में भी किया, खड़ी बोली में भी किया। खड़ी बोली अपने दौर के, ये खड़ी बोली के भी सबसे बेहतरीन कवि थे, फारसी भाषा के भी सबसे बेहतरीन कवि थे ये, और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी और उर्दू शब्दों का अपने लेखन में प्रयोग किया। क्लियर है, क्लियर है भाई, ओके आगे चलते हैं। तो वही लिखा है मैंने, पहला या पहले हिंदी शब्द, हिंदी, हिंदवी। और तबला का आविष्कार इन्होंने किया, सितार का आविष्कार इन्होंने किया। ईरानी वाद्य यंत्र है तंबूरा, जो तंबूरा जो है वो ईरानी वाद्य यंत्र है। तंबूरा और वीणा दोनों को मिलाकर के बना सितार, जो कि अमीर खुसरो ने बनाया, तबला भी अमीर खुसरो ने बनाया। तो उर्दू मैंने आपको बताया केनी के समय में शुरू हुई, गज़ल और कव्वाली, ये जो मतलब जो सिंगिंग की जो एक अलग से एक क्लास है गज़ल और कव्वाली, इसकी शुरुआत सबसे पहले अमीर खुसरो ने की थी और इनकी कव्वालियाँ आज भी गाई जाती हैं और बहुत सारे कव्वाल इनकी कव्वालियों को गा करके सुपर डुपर हिट हो गए, है ना। चले सर, अब इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है नूह सिपेहर, नूह सिपेहर या नूह सिपेहर, कई जगह सिपेहर लिखा रहता है, कई जगह सिपेहर लिखा रहता है। इस कविता में या इस पोएट्री में भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के बारे में बताया गया है। तुगलक नामा, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताया गया है। फिर एक इनकी एक बुक है मिफ्ताउल फुतुह, इसमें जलालुद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान है उनके बारे में बताया गया। मिफ्ताउल फुतुह में किसके विजय अभियान है, जलालुद्दीन खिलजी के।
UK SSC UP SSC या वनडे टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये सवाल नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्टेट PCS IAS लेवल के NDA CDS नेटवेट लेवल के एग्ज़ाम देने आप जाएंगे तो उसमें क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। आगे चलें, आशिका जो है देवल देवी और खिजर खां की प्रेम कथा है। तो आशिका देवल देवी खिजर खां की प्रेम कथा है कि ये आशिका या ये प्रेम कथा है क्या, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि नुसरत खां ने जब अलाउद्दीन खिलजी के लिए, आप पानी पी लो जल्दी से, आप पॉज कर दो, पानी पियो बेटा। तो पानी पीने से कहाँ पहले कहाँ थे हम, हाँ, तो नुसरत खां, आपको पता होगा गुजरात को नुसरत खां ने जीता अलाउद्दीन खिलजी के लिए 1298-99 में। तो उस समय गुजरात में जो राजे थे वो थे बघेल राजपूत राजा, राजा कर्ण। अब जब हार निश्चित हो गई तो इन्होंने गुजरात छोड़ दिया और गुजरात छोड़ करके ये अपनी बेटी देवल देवी के साथ आ गए महाराष्ट्र में अहमदनगर में, जिसे आप कहते हैं देवगिरी, देवगिरी रियासत में आ गए। देवगिरी रियासत के राजा रामचंद्र देव के यहाँ इन्होंने शरण ली। लेकिन जो कमला देवी थी वो तुर्क सेना के हाथ लग गई। नुसरत खां कमला देवी को अपने साथ ले गया और अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से शादी की और कुछ समय बाद कमला देवी जो थी अलाउद्दीन खिलजी की, कहते हैं, सबसे प्रिय रानी बनी, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, ठीक है, कमला देवी। अब उसके बाद मलिक कफूर का उदय होता है। मलिक कफूर ने देवगिरी पर हमला किया। अब जब देवगिरी पर हमला किया तो वहाँ पर देवगिरी का पलायन, देवगिरी का पतन हो गया, या कह सकते हैं राजा रामचंद्र देव फिर से हार गए। तो राजा कर्ण तो हाथ नहीं लगे, लेकिन अब देवल देवी, राजा कर्ण और कमला देवी की पुत्री देवल देवी जो थी मलिक कफूर के हाथ लग गई। देवल देवी को मलिक कफूर दिल्ली ले गया अलाउद्दीन खिलजी के महल में, या कमला देवी के पास उसको छोड़ दिया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा खिजर खां है, खिजर खां और देवल देवी के बीच में, ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि खिजर खां और देवल देवी के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया और उन दोनों की बाद में शादी हो गई। तो इन दोनों के बीच में जो प्रेम प्रसंग है और जो शादी की कथा है उसी को एक काव्य के रूप में अमीर खुसरो ने पिराया है अपनी बुक आशिका में। तो आशिका जो है वो देवल देवी और खिजर खां की प्रेम कथा है, ठीक है। आगे चलें, कुरान-उस-सादिन, ये कविता है, इसमें बुगरा खां और कैकुबाद के मिलन की कथा है। क्या कथा है एक्चुअली, आपको पता है कि बलबन की डेथ के बाद बलबन चाहता था, देखो बलबन का सबसे जो प्रिय बेटा था वो था शहजादा मोहम्मद, जो कि मंगोल हमले में मारा गया था। उसी गम में बलबन का जो इम्यून सिस्टम था, देखो होता है ना जब आप खाना पीना छोड़ देंगे, जब आप खाना पीना छोड़ देंगे बिल्कुल, मेरा एक दोस्त है जब उसके IAS के अटैम्प्ट ख़त्म हुए, सन 2007-08 की बात है, जब उसके IAS के अटैम्प्ट ख़त्म हुए, एक और IAS के अटैम्प्ट ख़त्म हुए, उसके अलावा उत्तराखंड और UP PCS में भी उसका कुछ हो नहीं रहा था और वो अपनी निजी ज़िंदगी में थोड़ा सा परेशान था, तो वो डिप्रेशन में चला गया और खाना उसने कम कर दिया। उसको ये बताया था कि अब क्या होगा, खाना पीना उसका कम हो गया, वो परेशान सा रहने लगा, उसको साहब हरपीज रोग हो गया, चेचक जैसा रोग होता है, हरपीज वो रोग हो गया उसको, बड़ा बुरा चेहरा हो गया। फिर बाद में खैर फिर उसने कमबैक किया, क्या कहते हैं उसको, कमबैक किया, है ना, समझ रहे ना, मेरा दोस्त कौन था पता है। ओके चलें, तो कहाँ थे भैया, हाँ, तो उसका बेचारे का इम्यून सिस्टम जो है उसका कमज़ोर हो गया होगा, बीमार पड़ गया और बीमारी में उसकी डेथ हो गई। तो मरने से पहले उसने देखा कि अब अंत समय निकट आ गया है, तो उसने बुगरा खां को अपने पास बुलाया। और बुगरा खां उस समय कहाँ का गवर्नर था, मुझे अजय जी बताएंगे, शाहीन तबसुम राबिया के अलावा कोई बताना चाहें, बुगरा खां उस समय कहाँ का गवर्नर था, इकतदार था कहाँ का, तबसुम राबिया के अलावा, बंगाल का, वेरी गुड। तो उस समय बंगाल का गवर्नर था बुगरा खां। खैर बुगरा खां आया, आकर के कुछ दिन वो दिल्ली में रुका भी, लेकिन उसे बंगाल का जो आरामदायक जीवन था वो बड़ा अच्छा लगा। दिल्ली भाई देखो चुनौतीपूर्ण था, राजधानी में रहना तो षड्यंत्रों से भी लड़ना है, तो मंगोलों के हमले हो रहे हैं उससे भी लड़ना, वो चुपचाप बंगाल खिसक गया। उसने कहा यार मेरे बस की बात नहीं है, आराम से मज़ा आ रहा बंगाल में, है ना, बंगाल में अपना मज़ा आ रहा, दिन में दरबार लग रहा है और रात को आराम से महफिलें चल रही हैं ना, तो भाग गया वो। तो उसके भागने के बाद फिर अब बुगरा खां जो का जो बेटा है कैकुबाद, उसको गद्दी मिली, क्योंकि वहाँ पर मौके पर जो बारिश रह गया कैकुबाद रह गया। अब इसके बाद कैकुबाद और बुगरा खां में वर्चस्व की जंग होती है। अब इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कैकुबाद और बुगरा खां दोनों की सेनाएं जो है वो आमने सामने हो गई। लेकिन जब दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई तो पिता और पुत्र जो थे वो भावुक हो गए, जैसे फिल्मों में होता है ना, अरे यार मैं किसके लिए मार रहा हूँ, किसको मार रहा हूँ, अपने बेटे को मार रहा हूँ, अपने पिता को मार रहा हूँ। तो ये दोनों भावुक हो गए। भावुक होने के बाद ये मिले गले मिले और गले मिल के क्या होता, रोते हैं, चीखते, धाड़े मारते हैं ना, और फिर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये जो कहानी है इसको हम कहते हैं बुगरा खां और कैकुबाद का मिलन, बुगरा खां और कैकुबाद का मिलन। इसको एक कविता के रूप में पेश किया है अमीर खुसरो ने कुरान-उस-सादिन में, ठीक है। आगे चलें, फिर एक खजाइनुल फुतूह,
खजाइनुल फुतूह, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान हैं उसके बारे में बताया गया, ठीक है। 1324 में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो कि इनके पीर थे यानी कि गुरु थे, उनकी डेथ हो जाती है। और एक ऐसा प्रसंग आया है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने इनसे कहा था जब उनका अंत समय आ रहा था कि मेरे बाद शायद तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। वही हुआ, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जैसे ही डेथ होती है और कुछ ही दिन बाद अमीर खुसरो की डेथ भी हो गई। अमीर खुसरो और जहां आरा की जो कब्र है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है उसी के आंगन में, ठीक है सर। आगे चलें तो यहां पर बेटे मुझे लग रहा है आपको कुछ पूछना होगा, तो एक बार पॉज कर दीजिए, क्लास में कोई कुछ पूछना चाहें तो पूछ लेंगे।